बेटा और मैं क्या करूँगी, मुझे तो काम करना है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बजे हैं, क्या टाइम हुआ है, मैं अभी सो के उठी हूँ, बहुत नींद आ रही थी। रात हम लेट आए थे ना, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि रात हो रही थी ना, मुझे इतना पता भी नहीं था। अभी बस फ्रेश वगैरह होना है, रेडी होना है, और अभी हमारी 10 बजे फ्लाइट है सुबह कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर के लिए, तो हमें निकलना है। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, माइंड तो उठ गए। बहुत कितने टाइम हो गया, कितने बज गए, 6 बजे गए। कितने बजे निकलेंगे हम यहाँ से? निकल जाएंगे 7:30 तक। 7:30 बजे इतनी जल्दी क्यों? यहाँ पास पास में तो है यहाँ से। नींद आ रही, आधा घंटा और सो जाऊं मैं वापस। मुझे बहुत नींद आती है सुबह सुबह, आंखें खुलती नहीं मेरी। चलिए मैं फिर फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली यहाँ से भी हमारा चेकिंग हो चुका है, तो अभी टाइम है क्योंकि अभी 7:30 बजे हैं, फ्लाइट है 10 बजे से, तो अभी तो हमें वेट ही करना है। Attention for the safety demonstration of this Boeing 737-900 aircraft. To fasten your seatbelt until the metal zip at the buckle adjusted by pulling the loose end, and to unfasten lift the flap. Should there be a drop in the cabin pressure, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Remain seated, remove your person mask and pull the oxygen mask sharply towards you. To start the oxygen flow, place the mask over your nose and mouth and breathe normally before. गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर। आई एम सो एक्साइटेड, ओह माय गॉड। फाइनली हम लोग पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी हम अपना लगेज के लिए वेट कर रहे हैं। अभी ये इधर मायन खड़े हैं। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, तो हमारा लगेज भी आ चुका है। कम से कम 15-20 मिनट हमने वेट किया है, यही वाला है हमारा। तो अब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, रूम में आ चुके हैं और ये हमारे बैग का लग चुका है लॉक।
और ये मायंक इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट पता नहीं इनको 1000 नंबर डायल करना है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। नहीं हुआ, 1000 बार करना है, इतनी बार मुझे। अच्छा 1000 बार, मतलब बार बार इनको रिपीट करने हैं नंबर। होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं है। कोई नहीं, लगे रहो बेटा। और मैं क्या करूँगी, मुझे ज़्यादा काम करना है क्योंकि कल से चल रहे हैं तो हम लोग थक चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ पे देखा के तो यहाँ लॉकडाउन है, शायद आज हम लोग कहीं घूम पाए कि नहीं घूम पाए कह नहीं सकते, क्योंकि वो लोग तो मना कर रहे हैं अभी। कल जाएंगे हम, अगर कहीं जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। गाइज तो हम लोग मतलब आने के बाद तो हमने लंच किया, उसके बाद हमने रेस्ट किया और अभी उनका कॉल आया तो हमको 15-20 मिनट पहले बताया कि मतलब आपको हम थोड़ा सा घुमा सकते हैं क्योंकि यहाँ आज का लॉकडाउन है तो इसलिए सभी चीज़ें बंद हैं, तो कल से वो लोग हमें घुमाएंगे, तो वो बस हमें यहाँ घुमाने के लाए हैं, मतलब हम यहाँ टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और एक दो पिक्चर्स ले सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ये कौन क्या है वैसे इस जगह का नाम, मुझे तो पता भी नहीं है। पोर्ट ब्लेयर में ही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मतलब क्या है, कौन सी जगह है। पोर्ट ब्लेयर ही है हाँ, तो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये हमारे पीछे समुद्र है और दिख नहीं रहा ना, लाइट नाइट हो रही है, लाइट नहीं है, पानी इतना तेज झिल रहा है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग बस चल रहे हैं, यहाँ का एंजॉय कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। विंटर में यहाँ आना चाहिए। और मैंग है यहाँ चाय स्पेशल, या आंटी कुछ अलग तरीके से बना रही है, हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं। चाय पत्ती डाल, चाय पत्ती और ये क्या क्या डाला है आपने? अच्छा ये नींबू भी डालते हो क्या? ये दूध चाय में नींबू नहीं, लाल चाय में डालते। अच्छा लाल चाय में। बहुत अच्छी है और टेस्टी है, घर की चाय से भी बहुत अलग स्वाद है। अभी हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। तो हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, ये है हमारा होटल। भैया प्रिंट दे दीजिए,
खराब हो गया सर, काम नहीं करते। अरे तो यार कहीं से निकलवा दो, किसी और से निकलवा दो, क्योंकि जरूरी है, सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे इतना। अभी जरा कहना तो गाइज हम लोग आ गए हैं अपने रूम में, और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आगे का जो भी है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, आप नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना।